चारधाम यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर आ रही खबरों पर सरकार अब एक्शन लेने जा रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ही सोशल मीडिया पर फेक वीडियो और फेक पोस्ट के जरिए केदारनाथ धाम यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आज उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने देश के सभी राज्यों के DGP और मुख्य सचिव से एक्शन लेने को कहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चार धाम यात्रा का दुष्प्रचार करने वाले तथा यात्रा के संबंध में फेक न्यूज या ये वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बता दें कि केदारनाथ में पहुंचे श्रद्धालुओं का आंकड़ा अब 1 लाख पार हो गया है। इस यात्रा को बदनाम करने वाले तत्वों के विरुद्ध अब तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज होगी। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन की बसों और गाड़ियों को तत्काल रोकने तथा वापस भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और DGP को पत्र लिखकर बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों पर कार्रवाई करने को कहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस समय पूरे चरम पे चल रही है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल गए थे और 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल चुके हैं और बहुत ज्यादा संख्या में यात्री श्रद्धालु पूरे देश से यहां आ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दुगने श्रद्धालु इस वर्ष पहुंचे हैं और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है जिससे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और उनकी यात्रा सुगम रहे। व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे ना आए, ये उनके लिए भी अच्छा होगा और व्यवस्था बनाने में भी मददगार होगा। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे ना आए। चेक पोस्ट पे अब बहुत सख्त चेकिंग की जाएगी, जो भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आएंगे उनको यात्रा पे आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अव्यवस्था को रोकना है और व्यवस्थित और सुगम सुरक्षित यात्रा चलानी है। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो चारों धाम है उसके मंदिर परिसर के 200 मीटर के अंतर्गत कोई भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर के पास मोबाइल प्रयोग करने से भी यात्रा में व्यवधान हो रहा है। ये भी निर्देश बहुत सख्ती से इनका पालन किया जाएगा। सभी पुलिस अधिकारियों को, सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सख्ती से यात्रा को सुरक्षित तरीके से चलाएं और जितने भी यात्रा के पड़ाव हैं वहां पे सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों को पेयजल की, शौचालय की, भोजन इत्यादि की अच्छी व्यवस्था मिले जिससे कोई भी यात्री परेशान न हो।